ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज का साप्ताहिक कोष का पहला दिन पार्ट 12। विषय है कि आत्मा कैसे आती है। परमपिता परमात्मा ने समझाया है कि आत्मा कैसे आती है। आत्मा परम धाम से ना अंगी बिना अंगों के आती है, क्योंकि शरीर तो आत्मा यहां आकर लेती है। आत्मा ना अंगी ना अंगे, मन बिना अंगों के बिना शरीर के परम धाम से आती है। शरीर तो यहां माता पिता के पास आकर लेती है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई कि नंगी शब्द, ना अंगी शब्द या ना अंगे शब्द संस्कृत में जुड़ जाने के कारण पड़ा गया नंगे, कि हम नंगे आए थे। तो अब उनकी दृष्टि कहां गई कि बच्चा पैदा हुआ था तो नंगे पैदा हुआ था। जैन धर्म वालों ने इस बात को पढ़ा, उन्होंने कहा हम नंगे आए हैं, हमको नंगे रहना है। कृष्ण के ऊपर चरित्र, कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगाना पड़ा। लिखने वालों ने सत्य ना समझने के कारण उन्होंने कृष्ण के ऊपर ये दोष लगाया कि कृष्ण ने वस्त्र उठा करके बैठ गया और गोपियों को कहा कि तुम मेरे सामने नंगे आओ। दुनिया वाले पूछते हैं कैसा होगा इनका कृष्ण, कैसा इनका भगवान है जो कहता है कि तुम मेरे सामने नंगे आओ। परंतु आप परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे ये शब्द मेरे थे और लिख कृष्ण के साथ दिए। मैंने कहा हे आत्माएं, तुम ना अंगे परम धाम से इस संसार में आए थे, अब पाठ बजाया पूरा हुआ, अब इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर ना अंगे इस संसार सागर से मेरे पास आओ। बात ही बदल गई। आत्मा को ही बिना अंगों के वापिस अपने पिता परमात्मा के पास जाना है। गोपी माना आत्माएं, गोप गोपियां माना आत्माएं, गो माना आत्मा होता है। स्त्री शरीर धारण किया तो गोपी कह देते हैं, पुरुष शरीर धारण किया तो गोप कह देते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा ने कहा है कि वापिस ना अंगे मेरे पास आओ। परम धाम आत्मा ना अंगी ही जाती है। तो हमें पहली बात समझ में आई कि हम आत्माएं परम धाम से ना अंगे बिना अंगों के आती हैं और ना अंगे बिना अंगों के हम आत्मा ही घर जाती हैं। शरीर तो यहाँ पड़ा होता है, उसे चाहे जलाएं, चाहे दफनाएं, चाहे चील कौओं को खिलाएं, चाहे जो उनकी रीति रिवाज हो वो करें, आत्मा तो गई। कहाँ जाएगी? अपने परम धाम। परंतु आत्मा परम धाम कब जाती है और कैसे आती है, इसको हम दूसरे पार्ट में समझ लें। आत्माएं आती तो अलग अलग है, जाती सारी आत्माएं एक साथ। आती अलग अलग हैं, जाती एक साथ है। जब परम आत्मा घर का रास्ता बताते हैं, जब तक परमात्मा परम धाम से ना आए घर का रास्ता बताने के लिए, कोई आत्मा परम धाम वापस नहीं जा सकती। यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद कहा भी जाता है
आत्मा चल बसी। आत्मा यहां से चली और दूसरी जगह जाकर बस गई, अर्थात उसने दूसरा शरीर ले लिया, दूसरा शरीर छोड़कर तीसरा शरीर ले लिया, चौथा शरीर ले लिया। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है, घर नहीं जाते, परमधाम नहीं जाती। तब तक परमधाम नहीं जा सकती जब तक परमपिता परमात्मा घर ले जाने के लिए सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए ज्ञान देते। जब तक परमात्मा आकर ज्ञान ना दे, सारे संसार की आत्माओं को पावन ना बनाए, परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाते हैं, फिर एक साथ सबको घर ले जाते हैं। क्योंकि पावन बनने का मतलब है मेरा संसार में किसी भी आत्मा से कोई भी लेना व देना बाकी नहीं है, तब मिलती है मुक्ति। सारे संसार की आत्माओं को एक साथ मुक्ति मिलेगी। मेरा यदि सबके साथ हिसाब खरा खत्म हुआ है तो सबका मेरे साथ भी खत्म हुआ ना, तो सबका सबके साथ एक साथ हिसाब खत्म होता है, तब सारी आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ घर जाती। घर जाने से पहले परमपिता परमात्मा आकर सबको पढ़ाते हैं, पढ़ने में सब नंबर वार है, ज्ञान देते हैं, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान सबको देगा ना, एक दो को तो नहीं देगा ना। परमात्मा आकर सारे संसार की एक एक आत्मा को ज्ञान देते हैं, परंतु लेने में सब नंबर वार हैं, धारणा करने में सब नंबर वार हैं, जिसके आधार पर मेरिट बनती है एक से सौ तक, एक से सौ तक मेरिट बनती है। और उसके बाद सारी आत्माएं घर जाती हैं और घर से फिर आने का काम शुरू होता है इसी मेरिट के हिसाब से। सबसे पहले 100% प्योर धरती को एंजॉय करने के लिए 100% प्योर आत्मा आती है। जैसे जैसे वो आत्मा आकर धरती को यूज़ करते हैं, धरती डिग्रेड होती जाती है। जैसे धरती 99 पर आती है तो ऊपर से 99 वाली आत्मा, जैसे धरती 95 पर आती है, 95 पर आती है तो ऊपर से 95 वाली आत्मा नीचे, धरती 90 पर आती है तो ऊपर से 90 वाली आत्मा नीचे, धरती 70 पर आती है तो ऊपर से 70 वाली आत्मा नीचे, धरती 50 पर आती है तो ऊपर से 50 वाली आत्मा नीचे। जैसे जैसे धरती बढ़ती, धरती की अवस्था डाउन होती जाती है, ऐसे ही कम नंबर वाली आत्माएं ऑटोमेटिक परमधाम से नीचे आती जाती हैं। जब एक नंबर वाली आत्मा भी इस धरती पर आ जाती है तो परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाकर वापस घर ले जाते। इसको विस्तार से हम देखेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। यहाँ केवल हमने आत्मा को समझना था कि आत्मा कैसे परमधाम से आती है और कैसे जाती है, ये भी ऑटोमेटिक इसमें अंडरस्टूड है। उसी प्रकार से आती है, जैसे जाती है वैसे, जिस ग्रेड पर आती है उस ग्रेड पर फिर पावन बन के वापिस घर जाती है। ओम शांति। फिर भी कोई प्रश्न आपको आत्मा से रिलेटेड कोई बुद्धि में अटक रहा हो तो आप ज़रूर पूछेंगे, ताकि हम उसको दे सकें। और जो अन्य आत्माएं जो नहीं पूछती हैं उनको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि आपका प्रश्न केवल आपका नहीं होगा, वो सब की तरफ से आएगा। ऐसा प्रश्न और जिनके मन में भी होगा जो नहीं पूछ पा रहे हैं,
वो उनको घर बैठे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये भी आपकी सेवा होगी। मोबाइल नंबर 9213106986 पर भेज सकते हैं, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर आप अपने प्रश्न का आंसर ले सकते हैं। ओम शांति।